अहरामे जरूर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार शानी के सामने सुजीला की हकीकत आ ही चुकी है कि सुजीला कितनी लालची लड़की है, वो उससे नहीं उसकी दौलत से मोहब्बत करती है। शानी जो कि पहले ही सुजीला को कह चुका था कि मैं शानी को डिवोर्स नहीं दूंगा, लेकिन उसने शानी के खिलाफ जाकर डिवोर्स पेपर बनवा लिए हैं और शानी के सामने शर्त रख दी है कि जब तक तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं करोगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लेकिन शानी डिवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं शानी को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुमने मुझसे शादी करनी है तो करो, वरना मैं भी तुमसे शादी करने के लिए मरा नहीं जा रहा। तब जाकर सुजीला शानी से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो, मैंने तुम्हारी शादी शानी से सिर्फ इस वजह से नहीं करवाई थी ताकि तुम उसके मोहब्बत में दीवाने हो जाओ और उसको छोड़ो ही ना, मैं तो सिर्फ इस वजह से करवाई थी ताकि उसकी तमाम दौलत तुम्हारे नाम हो जाए और बाद में हम ऐसी और आराम की ज़िंदगी गुजार सके। तब जाकर शानी का एहसास होगा कि आखिर तमाम घर वाले बिल्कुल ठीक कहते थे कि सुजीला लालची लड़की है, वो उससे नहीं मेरी दौलत से मोहब्बत करती है, जब यह दौलत मेरे पास नहीं रहेगी तो सुजीला खुद ब खुद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो अब शानी जो कि सुजीला से कह देता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी से तुम हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ और मैं और तुम भी मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। तो व्यूवर्स आपको क्या लगता है कि अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या नहीं? क्या शानी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा? क्या वो शान से के पास वापस चला जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में आकर मैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।